हे गाइस, वेलकम बैक टू द एआर यूट्यूब चैनल। और एरोफ्लोट फ्लाइट 6502 को लैंडिंग कराते समय कैप्टन ने ये शर्त लगाया कि मैं आंखें बंद करके भी प्लेन को लैंड करा सकता हूं, लेकिन उसका ये चैलेंज बहुत ही महंगा पड़ गया। आखिर क्या हुआ उस रोज और ऐसे पायलट्स पर क्या और किस तरह से एक्शन लिया जा सकता है, जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। रशिया का एक शहर कल्टसोवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट एयरफ्लोट फ्लाइट 6502 में 87 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर्स एक एक करके दाखिल हो गए। इस प्लेन को कैप्टन क्लुवेव और फर्स्ट ऑफिसर जिर्नोव उड़ाने वाले थे। देखते ही देखते मिनटों में ये प्लेन अपने डेस्टिनेशन कुरमोच एयरपोर्ट की ओर पहुंच गया। प्लेन धीरे धीरे करीब 1000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ गया। तभी कैप्टन ने कहा कि शर्त लगा लो कि मैं सिर्फ कॉकपिट के इंस्ट्रूमेंट को देखकर प्लेन को लैंड करा सकता हूँ। मैं कॉकपिट के बाहर नहीं देखूंगा, विंडो के बाहर भी नहीं देखूंगा, इवन विंड स्क्रीन के बाहर रनवे को भी नहीं देखूंगा। फर्स्ट ऑफिसर ने भी कहा कि चलो देख लेते हैं। अब धीरे धीरे प्लेन नीचे आता गया। तभी ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग अलार्म बजने लगा। प्लेन में लगा ट्रांसमीटर और रिसीवर रेडियो सिग्नल को ग्राउंड की ओर भेजकर वापस रिसीव करता है, जिससे प्लेन के कंप्यूटर को ये पता चल जाता है कि प्लेन कितने ऊंचाई पर उड़ रहा है। अगर कंप्यूटर ये पाता है कि प्लेन ग्राउंड के बेहद नजदीक आ चुका है, इट मींस कि ये लैंड करने वाला होगा। और अगर ये लैंड करने वाला है तो जाहिर सी बात है लैंडिंग गियर को डाउन होना चाहिए। अगर कंप्यूटर ये पाता है कि लैंडिंग गियर डाउन नहीं है, तब ये GPWS यानी कि ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग साउंड के जरिए ये बताता है कि टू लो, लैंडिंग गियर ट्रेन पुल अप, मतलब कि प्लेन बहुत नीचे जा रहा है, लैंडिंग गियर को डाउन करो या फिर प्लेन को ऊपर ले जाओ, नहीं तो ये धरती से टकरा जाएगा। फ्लाइट 6502 भी एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही करीब 200 फीट के एल्टीट्यूड पर आ चुका था, इसलिए GPWS अलार्म बज उठा। लैंडिंग के वक्त इस अलार्म का बजना मतलब कि प्लेन के क्रैश होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए फ्लाइट 6502 को यहां पर प्लेन के थ्रस्ट को बढ़ाकर फिर से टेक ऑफ करके गो अराउंड करना चाहिए था। इसके बाद उन्हें वापस से लैंडिंग की तैयारी करना चाहिए था, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं किया गया। कैप्टन अपने शर्त पर अड़ चुका था और ओवर कॉन्फिडेंस के चपेट में आकर करीब 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में प्लेन को रनवे से टकरा दिया। प्लेन के टक्कर के तुरंत बाद ये कई टुकड़ों में बिखर गया और फ्यूजलेज पलटकर ग्राउंड में ही गिर गया। देखते ही देखते प्लेन धूं धूं करके जलने लगा। किसी को भी नहीं पता था कि इस प्लेन के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, इसलिए फायर फाइटर्स भी तैयार नहीं थे आग बुझाने के लिए। जब तक रेस्क्यू टीम घटना स्थल पर पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देखते ही देखते 63 लोगों की जान चली गई और सबसे दुख की बात ये थी कि इन लोगों में से 15 बच्चे थे, वो बच्चे जिसने अपनी दुनिया को देखा भी नहीं था और दुनिया ही छोड़ दिया। सभी घायलों को हॉस्पिटल भेज दिया गया। हॉस्पिटल में भी 7 लोगों की मौत हो गई, बस एक बचकानी हरकत के लिए, बस एक छोटी सी शर्त के लिए। ये घटना बहुत ही दर्दनाक था। इस हादसे ने एरोफ्लोट कंपनी को बुरी तरह से बदनाम कर दिया। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो कुछ मेरे पास है नहीं, पर मेरा कुछ ओपिनियन, कुछ रूल्स और अपना ओपिनियन बताना चाहूंगा। एरोफ्लोट के पायलट ने ये शर्त लगाया कि मैं बिना देखे ही प्लेन को लैंड करा सकता हूँ, लेकिन वो असफल रहे। तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा रूल नहीं है जिसके तहत ऐसी घटिया हरकतों पर रोक लगाया जा सके? और एक सवाल ये भी है कि अगर प्लेन सही सलामत लैंड कर जाता तो क्या पायलट को इनाम दिया जाता कि वह भाई तूने तो कमाल कर दिया, या फिर किसी प्रकार की सजा दी जाती? दोस्तों, अगर कोई पायलट ऐसी बचकानी हरकत करता है तो उसे सजा भी मिलती है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर सब सही सलामत हो, प्लेन सुरक्षित लैंड कर जाए, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि पायलट ने कोई बचकानी हरकत भी किया है। और अगर किसी बचकानी हरकत की वजह से प्लेन क्रैश हो जाए तो पायलट जिंदा भी नहीं बचने वाले। ऐसे में एक मरे हुए इंसान को किस तरह से सजा दी जा सकती है? यहाँ पर अगर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को सुना जाए
तो पायलट के बातचीत से ये पता लग सकता है कि वो ठीक से अपना काम कर रहे हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि कंपनीज के पास इतना वक्त और पैसा नहीं है कि वो लाखों लोगों को हायर करके मिलियंस ऑफ रिकॉर्डिंग्स को सुने। इसीलिए इन रिकॉर्डिंग्स को तभी सुना जाता है जब कोई घटना घट जाती है। यहाँ पर पायलट्स को इतनी सैलरी दी जाती है ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और अच्छे से काम करे। हालांकि कुछ पायलट्स बुरे भी होते हैं, पर ज्यादातर पायलट्स अच्छे होते हैं। अगर फ्लाइट के दौरान कैप्टन कोई बचकानी हरकत करता है तो फर्स्ट ऑफिसर उसका कंप्लेन भी कर सकता है और गलती के अनुसार उन्हें सजा भी दी जा सकती है। एरोफ्लोट फ्लाइट 6502 के कैप्टन इस हादसे में जिंदा बच गए। उनका ट्रीटमेंट करने के बाद कैप्टन ने भी ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैंने शर्त लगाया था प्लेन को बिना देखे लैंड कराने का। इसके बाद उन्हें 15 साल की सजा सुना दी गई। हालांकि कुछ सालों के सजा काटने के बाद 6 साल की सजा माफ कर दी गई। तो ये थी एक सच्ची कहानी एरोफ्लोट फ्लाइट 6502 की। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।